नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम हैं इस वक्त राजस्थान के अजमेर में मलुसर रोड के पास। पहाड़गंज का ये क्षेत्र है और बहुत ही पावन क्षेत्र है। जिस स्थान से आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अंत्येष्टि संस्कार किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्थल है जहाँ पर महर्षि जी ने सदा के लिए अपना जीवन त्याग दिया था और उसके बाद यहीं लाकर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। तो हम भी दर्शन करते हैं और आइए आपको भी दर्शन कराते हैं इस पवित्र स्थान के। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। महर्षि दयानंद जी का जो स्थान है सामने, वो बना हुआ है और उसकी सेवा करते हैं, धोख दे के जाते हैं लोग। सीता गौशाला बनी है उस टाइम से है, हमारे बुजुर्गों की टाल है ये, और यहीं देख रहे हैं, देखते रहते हैं। सारे समाज वाले आते हैं हर साल चेकिंग, यहाँ मेला लगता है इनका। बहुत से बाहर से भी कश्मीरी इधर उधर से काफ़ी लंबे दूर दूर से आते हैं आदमी लोग। फरवरी 1824 टंकारा गुजरात में जो जीवन लीला शुरू हुई थी, वो अजमेर राजस्थान में 30 अक्टूबर 1883 को समाप्त हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सदा के लिए हमें छोड़ के चले गए। तन के पिंजरे को बेशक वो खाली कर गए हो, लेकिन आज भी वो अपने सिद्धांतों, अपने उपदेशों और अपने कार्यों के साथ प्रत्येक आर्यजन के मन में जीवित हैं। उनके कार्य, उनके जीवन प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। सब कुछ देकर दूर गया, सब कुछ देकर दूर गया, दीप जले पर दीप जलाने वाला रूठ गया। दीप जले पर दीप जलाने वाला रूठ गया। तो ऐसी पुण्य स्थली है, दर्शनीय स्थली है और इसके साथ ऐतिहासिक स्थली कहें तो भी जो है कहना ठीक रहेगा। तो इस स्थान को जब जब अजमेर आना होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्थान पे जो है ला करता हूँ। इस स्थली को बहुत साफ़ सुथरा और अलग से स्थान दे करके यहाँ की नगर पालिका और यहाँ के आर्यजनों ने बहुत एक प्रेरणादायी कार्य यहाँ पर किया है और आकर के यहाँ वो भाव उठते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो काम अपने जीवन काल के दरमियान किए हैं, इस स्थान से हम प्रेरणा लेकर जाते हैं कि उन कामों को और हमें आगे बढ़ाना है और उनका जो छोड़ा हुआ कार्य है उसको बढ़ाना है और उनके ऋण को उतारना है। जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। क्योंकि आर्य समाज के लिए भी ये पवित्र स्थान है यहाँ पे, और जो भी जिनकी समाधि बनी हुई यहाँ पे, क्यों उनका कार्य भी हमारे परदादाओं ने करा होगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती भी आई है, जो यहाँ पर जो बना है एकदम ही, तो सेवा चाकरी के अंदर पीछे नहीं हटते एकदम ही, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। धर्म सुधार हो, समाज सुधार हो, नारी का उद्धार हो या शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नहीं बल्कि आर्यजनों के लिए सोचा। एक ऐसा देश, एक ऐसे समाज का निर्माण कर गए जिसे हम आज आधुनिक समाज कहते हैं। तो उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कोटि कोटि प्रणाम। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा।